कहानी जो चाहोगे सो पाओगे। एक साधु घाट किनारे अपना डेरा डाले हुआ था। वहाँ वह धुनी रमाकर दिन भर बैठा रहता और बीच बीच में ऊंची आवाज़ में चिल्लाता, जो चाहोगे सो पाओगे। उस रास्ते से गुजरने वाले लोग उसे पागल समझते थे। वे उसकी बात सुनकर अनसुना कर देते और जो सुनते वे उसे बेवकूफ़ समझते और उस पर हंसते थे। एक दिन एक बेरोजगार युवक उस रास्ते से गुजर रहा था। साधु की चिल्लाने की आवाज़ उसके कानों में भी पड़ी, जो चाहोगे सो पाओगे, जो चाहोगे सो पाओगे। यह वाक्य सुनकर वह युवक साधु के पास आ गया और उसने उससे पूछने लगा, बाबा आप बहुत देर से जो चाहोगे सो पाओगे चिल्ला रहे हो, क्या आप सच में मुझे वो दे सकते हो जो मैं पाना चाहता हूँ? साधु बोला, हाँ बेटा, लेकिन पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम पाना क्या चाहते हो। बाबा मैं चाहता हूँ कि एक दिन मैं हीरो का बहुत बड़ा व्यापारी बनूँ, क्या आप मेरी ये इच्छा पूरी कर सकते हैं? बिल्कुल बेटा, मैं तुम्हें एक हीरा और एक मोती देता हूँ, उससे तुम जितने चाहे हीरे मोती बना लेना। साधु की बात सुनकर युवक की आंखों में आशा की ज्योति चमक उठी। फिर साधु ने उसे अपनी दोनों हथेलियां आगे बढ़ाने को कहा। युवक ने अपनी हथेलियां साधु के सामने कर दी। साधु ने पहले उसकी एक हथेली पर अपना हाथ रखा और बोला, बेटा ये इस दुनिया का सबसे अनमोल हीरा है, इसे समय कहते हैं, इसे ज़ोर से अपनी मुट्ठी में जकड़ लो, इसके द्वारा तुम जितने चाहे उतने हीरे बना सकते हो, इसे कभी अपने हाथ से निकलने मत देना। फिर साधु ने अपना दूसरा हाथ युवक की दूसरी हथेली पर रखकर बोला, बेटा ये दुनिया का सबसे कीमती मोती है, इसे धैर्य कहते हैं, जब किसी कार्य में समय लगाने के बाद भी वांछित परिणाम प्राप्त ना हो तो इस धैर्य नामक मोती को धारण कर लेना। यदि यह मोती तुम्हारे पास है तो तुम दुनिया में जो चाहो वो हासिल कर सकते हो। युवक ने ध्यान से साधु की बात सुनी और उन्हें धन्यवाद कर वहाँ से चला पड़ा उसे सफलता प्राप्त के दो गुरु मंत्र मिल गए थे। उसने निश्चय किया कि वह कभी अपना समय व्यर्थ नहीं गंवाएगा और सदा धैर्य से काम करेगा। कुछ समय बाद उसने हीरे के एक बड़े व्यापारी के यहाँ काम करना प्रारंभ किया। कुछ वर्षों तक वह दिल लगाकर व्यवसाय का हर गुण सीखता रहा और एक दिन अपनी मेहनत और लगन से अपना सपना साकार करते हुए हीरे का बहुत बड़ा व्यापारी बना। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है दोस्तों? लक्ष्य प्राप्ति के लिए सदा समय और धैर्य नाम के हीरे मोती अपने साथ रखें। अपना समय कभी व्यर्थ ना जाने दें और कठिन समय में धैर्य का दामन ना छोड़ें, सफलता अवश्य प्राप्त होगी। दोस्तों अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।